नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले कुछ दिनों से क्यों स्पेस में फंसी हुई हैं और क्या है इसका कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को स्टारलाइनर नामक स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट बुश विल मोरे भी थे, जो कि इस मिशन के मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस लौटना था, और अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। सुनीता विलियम्स वहां पिछले 27 दिनों से फंसी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंची, उससे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम स्टारलाइनर दिया, और कंपनी इसे स्पेस कैप्सूल भी कहती है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग का जॉइंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है। तो आइए जानते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स पिछले 27 दिनों से स्पेस में फंसी हुई हैं। 5 जून 2024 को स्टारलाइनर का पहला मानव विप ट्रायल किया गया। जब स्टारलाइनर को लॉन्च किया जा रहा था, तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, लेकिन तब उन्हें यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी। और यात्रा के दौरान चार और जगह से हीलियम गैस लीक होने लगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते समय इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि नासा का कहना है और बोइंग कंपनी का कि अब 5 में से 4 थ्रस्टर को ठीक कर लिया गया है। इस घटना को लेकर नासा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टारलाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एमरजेंसी केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह तक जाना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि इसमें से गैस क्यों लीक हुई और इसके थ्रस्टर क्यों फेल हुए। इसी वजह से उनकी वापसी टाल दी गई है, पर एक्सपर्ट्स की राय से बिल्कुल उलट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैस लीक होना एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। अगर गैस लीक का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया, तो रिटर्न फ्लाइट में आग भी लग सकती है और एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब तक लौट सकती है विलियम्स। नासा का कहना है कि फिलहाल स्टारलाइनर की वापसी मुमकिन नहीं है। स्टारलाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है, और अभी तक 27 दिन बीत चुके हैं और 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी डेट बदली जा चुकी है। पहले नासा ने डेट 18 जून तय की थी, फिर उससे बदलकर 22 जून कर दी, और फिर इसे बदलकर 26 जून कर दिया, और अब उसका कहना है कि वापसी में 90 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें ये सवाल उठता है कि जब स्टारलाइनर की 45 दिनों की ही लिमिट है, तो अगर ये उसने दिनों में ठीक नहीं हो पाया और फेल हो गया, तो फिर नासा क्या करेगा। तो अगर स्टारलाइनर फेल हो गया, तब ऐसी स्थिति में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन या रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज का सहारा बन सकता है, और नासा उसके जरिए विलियम्स और साथी एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इस पर इसरो चीफ ने क्या कहा है। इसरो चीफ डॉक्टर श्रीधर पैनिकर सोमनाथ ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सुनीता विलियम्स को कोई खतरा नहीं है। सोमनाथ ने कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विलियम्स अकेली नहीं है, वहां पहले से कई एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, उन्हें भी एक ना एक दिन धरती पर लौटना है। तो इसमें ये खतरा तो नहीं है कि वो वहां पे फंस गई हैं, पर सवाल ये है कि स्टारलाइनर से उन्हें सुरक्षित कैसे वापस धरती पर लाया जाए। तो यह है पूरी समस्या और यह है पूरी कहानी जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं। तो क्या आपको इससे पहले ये रीज़न पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।